सुप्रभात। जो पाठ अपना चल रहा था पाठ संख्या दो दादी माँ, और इसी पाठ को हम आगे लगातार पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कुछ छूटा हुआ भाग था इसका जिसे हम आज पढ़ेंगे। कल हमने पिछले दिन यहाँ तक पढ़ा था, हमने पेज संख्या 8 और 8 में से भी यहाँ तक पढ़ा था। अतुल संपत्ति वे की वह घर की तो थी नहीं, इस बात को जब दादाजी लेखक के दादाजी खत्म हो गए थे, उसके बाद की जो स्थितियां बनी, उसके बाद की स्थितियों के बारे में यहाँ जो लिखा हुआ था, यहाँ तक पढ़ा था। और मया गद्यांश यहाँ से शुरू करना, यह अनुच्छेद पढ़ना है हमें। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, यहाँ से ध्यान दें तो उस समय की बात की है लेखक ने, जब दादी बहुत उदास रहा करती, दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी। माघ के दिन थे, माघ माघ महीने का नाम, हिंदी महीनों में माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, माघ सर्दियों के लिए विशेष प्रसिद्ध महीना। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, जाड़ा का मतलब होता है सर्दी, जाड़ा सर्दी का पर्याय शब्द है। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, पछुआ का सन्नाटा, पश्चिम दिशा की से आने वाली जो हवाएं उनका सन्नाटा, सनसनाती हुई हवाएं और पाले की शीत। उस समय माघ के महीने में जो विशेष जो सर्दी पड़ती है उसको बोलते हैं पाला पड़ना, और मतलब बर्फ की तरह ठंडी ठंडी सी मालूम होती है, बर्फ जमे लग जाती है। तो पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती है, जिस तरह से हड्डियों में वह ठंड घुस गई हो, जम गई हो, इस तरह से लगता दूर ही नहीं होती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। शाम के समय की बात, जब दादी माँ लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए, संदूक पेटी का, शाम को हाथ जोड़कर बैठी है, उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी आंखों में जो भाव दिखाई देते थे हर समय, किसके भाव थे वे? स्नेह का मतलब प्रेम, और कातर जिसमें करुणा भी हो। प्रेम और करुणा इन दोनों भावों से मिश्रित आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, इस तरह के आंसू। तो मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो लेखक ने कहा, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, तो उनकी जो हमेशा प्रेम बरसाने वाली जो आंखें थी, उन आंखों की तरफ देखा लेखक ने, और दादी माँ से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे बताओगी ना? अब देखिए दादी माँ कहाँ बैठी है, किस तरह से बैठी है, एक चित्र के माध्यम से दर्शाया भी गया है। तो दादी माँ ने पूछा, कहा, क्या है, पूछ। तो लेखक ने पूछा, तुम रोती थी? लेखक ने जो दृश्य दृश्य देखा था अभी, उस दृश्य के अनुसार पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। अब दादी माँ ने किसी तरह से उसकी बात को टालने के लिए, क्योंकि उसका जवाब नहीं देना चाहती थी दादी माँ, तो उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ा और कहा, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो लेखक ने कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ, क्योंकि धोती गीली थी। तो लेखक ने कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ ने उस सर्दी में, अब देखिए धोती गीली धोती थी, और समय को याद कीजिएगा, क्या समय बताया लेखक ने? माघ का महीना, जाड़े के बहुत ज्यादा, अत्यधिक जाड़ा, ऐसा लग रहा हो जैसे बर्फ ही जम रही हो पूरे शरीर में। इस तरह की सर्दी में भी गीली धोती पहने वह पूजा सी कर रही थी, संदूक के ऊपर एक दीपक जल रहा था और हाथ जोड़े उसके सामने बैठी थी, और अब भी कह रही है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब सुबह का दृश्य, ये तो शाम का दृश्य था, अब सुबह का दृश्य, दूसरे दिन सुबह लेखक ने देखा कि चारपाई पर बैठे पिताजी, लेखक के पिताजी चारपाई पर बैठे,
किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, पिताजी और किशन भैया दोनों मन मारे जबरदस्ती, ऐसा जैसे उनके मन में कोई उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है, ऐसे भाव में चिंताग्रस्त होकर विचार कर रहे हैं दूसरा चारा ही क्या है। और विचार करते करते बाबूजी बोले, उन्होंने कहा दूसरा चारा ही क्या है। चारा का मतलब, चारा वो जो पशुओं को डालते हैं खाने के लिए, वह चारा नहीं है। इस चारा का मतलब है उपाय, दूसरा उपाय ही क्या है, दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए। और यहाँ समस्या यह थी कि अत्यधिक कर्ज चढ़ गया है इन पर, बहुत ज्यादा उधार लेकर इन्होंने खर्च किया है पैसा या कहीं लगाया है, और अब देने के लिए कुछ इनके पास में है नहीं। तो ऐसी हालत में कि रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, पिछले रुपए जो उधार हमने लिए थे वे भी कितने लोगों के बाकी पड़े हैं, और वे रोने रोने से हो गए कि अब क्या किया जाए, बेबस हो रहे थे। तो दादी माँ बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। तो उनका, मैं तो अभी जीवित हूँ, रोते तो किस घर में, पर रोने रोदन का कार्य विशेष तौर से हमने देखा है उस घर में होता है जहाँ जिस किसी की कोई पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो विदानी पर दादी माँ ने कहा, अभी मैं तो हूँ ही, मेरे होते हुए क्यों रो रहा है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, और मैं तो हूँ ही इस बात में एक और विश्वास भी गया कि नहीं, मेरे होते हुए आपको कोई संकट नहीं आ सकता, जब तक मैं हूँ कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगी, मैं आपको इस दुख में नहीं दे सकती। अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं वे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, संचित निधि के आधार पर किसी न किसी तरह से हमारे हमारी हर समस्या में, हर संकट में अपनी सहायता करते हैं। इसलिए बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी कद्र करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, हमारे लिए बहुत अनमोल है, ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर का रूप है। तो दादी माँ ने कहा, मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली, एक वस्त्र निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और उन्होंने कंगन निकाले उस संदूक में से और कहा कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था कि कभी कभी संकट में काम आए। पहले के लोग जो आभूषण वगैरह बनवाते थे गहना, उसमें पैसे निवेश अगर करते भी थे ना, तो उनका एक बहुत लंबा उद्देश्य होता था, दूरदर्शी सोच होती थी उनकी, लंबा उद्देश्य ये था कि जब भी कभी संकट आए तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पैसे तो बाद में तो पहले खर्च हो चुके होते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज होती है तो वह उस समय काम आती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंगन तेरे दादा ने मुझे पहनाए थे, इसी दिन के लिए पहनाए थे कि कभी कभी ऐसा संकट आएगा, उनको जैसे पहले से ही मालूम हो गया हो। उनका गला भर आया और दादा की अपने पति की याद आई, गला भर आया, रुआसी हो गई, मैंने इसे पहना नहीं। और कहते क्या कहा कि मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, सहज कर रखना, संभाल कर रखना, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है, यह उनके कुल की, उनके वंश की निशानी है, इसे मैं सहज कर बहुत ज्यादा साथ संभाल करके सुरक्षित रखती आई हूँ, इसे मैंने पहना नहीं। उन्होंने आंसू पोंछ पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सो देते थे बेटा। और उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि पुराने जो लोग होते थे वे आगा पीछा सब सोच लेते थे कि भूतकाल में हमारे साथ क्या परिस्थिति बीती, किस तरह का संकट आया और किस चीज की हमें जरूरत पड़ी, और वर्तमान में कैसा संकट है और भविष्य में कैसा संकट आ सकता है, उन सब के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे, उस सब के लिए सोचकर रखते थे, कोई कोई समस्या हल करने के लिए भी कोई कोई चीज रखते थे, उपाय रखते थे। तो कहा कि पुराने जो लोग होते हैं वो आगा पीछा सब सोचकर रखते थे, सोच लेते थे बेटा, इसीलिए उन्होंने शायद ये कंगन मुझे दिए थे कि आगे आने वाले समय में कोई संकट आएगा उसमें यह वस्तु काम आएगी। अब देखिए इस पाठ में विशेष तौर से बहुत सारी बातें आपको देखने को मिली। एक वाक्य लिखने का जो तरीका है वह देखने के लिए मिला कि किसी के कहे गए कथन को हूबहू लिखते हैं, किसी के कहे गए कथन को हूबहू है जैसे लिखते हैं, तो किस तरह से दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे उनका गला भराया, उसके बाद ये दादी माँ जो बोल रही है उसी बात को है जैसे लिखा कि मैंने इसे पहना नहीं, उन्हीं के लिए यहाँ तो अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, उनका शब्द यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, उन वह तो अलग है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि यहाँ उनके लिए प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष का यहाँ प्रयोग है, तो यहाँ हूबहू बात दादी माँ के द्वारा कही गई बात ली जा रही, तो यहाँ इससे ठीक पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह
और जहां बात खत्म हो रही है, दादी माई जहां बात खत्म हो रही है वहां पर पूर्ण विराम लगने के बाद फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह का एक अच्छा प्रयोग दर्शाया गया पूरे पाठ में, बहुत सारी बातें हैं जहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया होता। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को हूबहू लिखते हैं, जैसे लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में इधर लगता है और जब बात पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद में कोई कोई पूर्ण विराम चिन्ह होता है, जैसे प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने में, या पूर्ण विराम का भी होता है। तो ये ऐसा चिन्ह आने के बाद बाहर लगता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो उन्होंने कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सोचकर रखते थे, इसलिए उन्होंने शायद ये कंगन इसी वजह से दिए होंगे और मैंने भी संभाल कर रखा है इसी दिन के लिए। सचमुच मुझे दादी माँ शाप दृष्ट देवी सी लगी। और सचमुच लेखक को दादी माँ किस रूप में लगी? शाप दृष्ट देवी सी, ऐसी देवी जो शाप की वजह से इस पृथ्वी लोक पर आ गई हो, वरना ये तो स्वर्ग लोक में वैकुंठ में रहने वाली हो। इसलिए शाप दृष्ट देवी सी लगी क्योंकि उन्होंने देखो जो समस्या उनके सामने आन खड़ी हुई थी और उसका कोई उपाय नहीं था, उसी समस्या को चुटकी में हल कर दिया। अपनी सबसे प्रिय वस्तु उस समस्या को हल करने के लिए अपने संतानों को दे दी, यह होती है ममता। धुंधली छाया विलीन हो गई। अब देखिए ये जो इतना दृश्य देखा यहां तक, पाठ शुरू हुआ तब से यहां तक का जो दृश्य देखा, वास्तव में यह दृश्य उसी समय जो लेखक देख रहा है वो अपनी लेखक एक स्वप्न सा आ गया है। लेखक अपने घर में सोया हुआ था और उसको स्वप्न आया है, एक तरह से स्वप्न की तरह ही वो पूरा का पूरा समय याद आ गया, बचपन की पूरी यादें उसके सामने ताजा हो गई, उसके मानस पटल पर सारी की सारी जो बातें हैं बचपन में बीती हुई वे सारी की सारी एक चित्रपट की भांति, फिल्म की भांति चलने लगी है, जैसे कि अभी वास्तव में वह दृश्य अभी देख रहा हो, तुरंत उस समय को एक बार फिर से जी रहा हो, अपनी आंखों के सामने जैसे वे सारे दृश्य अभी हो रहे हो, घटित हो रहे हो, इस तरह से उसे लगा बचपन की यादें उसके सामने जीवित हो चुकी थी। अब वापस वर्तमान स्थिति के बारे में लेखक लिख रहा है, धुंधली छाया विलीन हो गई, जो दादी माँ की धुंधली सी तस्वीर, धुंधली सी छाया उसकी आंखों के सामने बनी थी, वह विलीन हो गई। विलीन का मतलब होता है गायब होना, लुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब देखिए वह तो स्वप्न सा चल रहा था, दादी माँ की याद आ रही थी, बचपन की याद आ रही थी, किस तरह से दादी माँ के किए गए उपकार, उनके कार्य, उनका स्वभाव, सब कुछ याद आया, लेकर को अपने बचपन की याद आई। लेकिन अब दिन काफी चढ़ चुका है, वह धुंधली छायाएं विलीन हो चुकी हैं, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी पंखें, घिनौनी काली पंखें, मतलब कौवा घृणित जीव जिससे सब घृणा करते हैं, ऐसा एक पक्षी है जिसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है जगह जगह, तो वही पक्षी अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हालांकि कौवा उपेक्षित भी है तो उसका आदर भी होता है, अनादर भी होता है, आदर भी होता है। अभी जो वर्तमान में जो पक्ष चल रहा है आश्विन मास का प्रथम पक्ष होता है जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं, तो इस पक्ष में कौवे का आदर भी बहुत होता है और कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वे कौवे के रूप में हमारे पास आते हैं और उनको हम उनकी इच्छित जो वस्तुएं होती है, इच्छित जो पदार्थ होते हैं, कार्य होते हैं, वे सब उन्हें हम खिलाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो कौवा खिड़की के पास आकर बैठ गया, इस बात में भी शायद ये कहना चाहता है कि जैसे पूर्वजों के रूप में, दादी माँ के रूप में वह आया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, किशन भैया का पत्र हाथ में है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, और काली चींटियों सी कतारें, चींटियों की जिस तरह से कतार चलती रहती है उसी तरह से काली चींटियों की कतारों सी वे यादें, वे सारे जितने भी जो लोग थे, पारिवारिक सदस्य थे, उनकी जो छवियां मानस पटल पर बनी थी वे छवियां धीरे 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 धूमिल होती जाती है। धूमिल धूल में मिल जाना, धूमिल का वास्तविक शुद्ध अर्थ धूमिल धूल में मिल जाना, मतलब गायब हो जाना। तो धीरे 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 गायब होती जा रही है, दिखना बंद हो रही है। कतार, कतार का मतलब होता है पंक्ति, जिसे आप इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, पंक्ति।
तो धीरे धीरे कतारें धुंधली हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ लेता है क्या सचमुच दादीमा नहीं रही। सारा दृश्य इस तरह से लगा जैसे दादीमा घर पर ही है और सारी घटनाएं जैसे लेखक की आंखों के सामने अभी अभी घटित हो रही है, इस तरह से लगा। और तुरंत बाद जैसे ही उसकी वापस उसके विचार है, टूटे विचार श्रृंखला टूटी है और उसे लगा वर्तमान जो स्थिति वह सामने आई है तो उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या वो स्वामन उसे बार बार पूछ बैठता है क्या सचमुच दादीमा नहीं रही। कई बार ऐसा होता है अपने भी सामने हम भी बैठे बैठे सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं, बहुत सारी घटनाएं अपने पास सामने जीवंत हो उठती है और फिर अचानक सा लगता है क्या वास्तव में ऐसा हो चुका है। तो यही लेखक के सामने एक प्रश्न सा खड़ा हो जाता है कि सचमुच दादीमा नहीं रही, जबकि दादीमा तो जैसे इतने करीब हो, इतनी करीब से सारी घटनाएं तुरंत जीवंत हुई है, इतनी करीब आके जैसे चली गई, इस तरह से लग रहा है तो लग नहीं, ऐसा विश्वास नहीं होता है दादीमा कई वर्षों पहले ईश्वर को प्राप्त हो चुकी है। यह एक संस्मरण था लेखक का अपने जीवन की यादों को, घटनाओं को याद करके इस तरह से साहित्यिक अंदाज में लिखना, इसको बोलते हैं संस्मरण। शिव प्रसाद सिंह लेखक थे। अब देखिए इस पाठ में से आए हुए कुछ प्रश्नों तक आज की डेटाई के लिए आज जो कुछ कठिन शब्दार्थ बताए इनको भी ध्यान में रखना है, वीडियो में देखना है मैंने कौन से शब्द का अर्थ बताया है, कौन सा क्या बताया है और इनको भी नोटबुक में करना है। इसके साथ साथ जो इस पाठ के प्रश्नोत्तर बाकी रहे हैं जिनको अभी तक मैंने डेटाई के रूप में नहीं दिया था उनको आज दे रहा हूँ। पहला प्रश्न दे चुका हूँ, दूसरा प्रश्न देखिए, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, पैसों से संबंधित जो स्थिति होती है, माली हालात खराब क्यों होगी? आर्थिक स्थिति, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का आपने स्वभाव देखा पूरे पाठ में, कई बार वह डांटती भी है, गालियां भी देती है, कई बार किसी के साथ में किस तरह से दया भाव के साथ में पेश आती है, कितना स्नेह बरसाती है, किस तरह से सेवा का भाव है उनके मन में। तो ये जो बातें थी उनमें से आपको दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष, कौन सा जो स्वभाव है अच्छा लगा, क्यों लगा, अगर लगा कौन सा अच्छा लगा उसके बारे में आपने विचार की क्यों लगा। और इसके साथ साथ आपके प्रश्नोत्तर इतने, इसमें हिंदी महीनों के नाम भी आए हैं, बहुत सारे 3-4-5 हिंदी महीनों के नाम भी आए हैं, लेकिन आपको हिंदी महीनों के जो 12 महीनों के नाम होते हैं उन नामों का, उन नामों के बारे में भी लिखना है, उन नामों को लिखना है। एक मैं प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, उस प्रश्न को भी हल करना है। ये चौथा प्रश्न है आपके लिए, हिंदी महीनों के नाम, ठीक है, आपको हिंदी के जो बारे महीने होते हैं, महीने बारे ही होते हैं चाहे कोई से हो, लेकिन हिंदी महीनों के उन बारे महीनों के नाम लिखने हैं आपको और शुद्ध रूप में लिखने हैं, जिस तरह से इसमें कुछ आए हैं आश्विन है, मार्गशीर्ष है, इस तरह के नाम आए भाद्रपद है, तो उनको शुद्ध रूप में लिखना भी है। आज के लिए बस इतना ही।